सलाम लाहौर शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ रिदा जफर। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। स्मॉग के बढ़ते वार, हुकूमत का बचाव के लिए बड़ा इकदाम। लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज बंद करने का ऐलान। हफ्ता इतवार पीर छुट्टी होगी। ये सिलसिला 27 नवम्बर से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। तालीमी इदारों को छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने का हुक्म। निजी दफातर का अमला भी हफ्ते में 3 दिन घर से काम करेगा। कातिल मच्छर मजीद 2 इंसानी जानें निकल गया। 24 घंटों के दौरान मजीद 70 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। गैर मुसद्दिका सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू के 874 मरीज जेरे इलाज। शहर के 295 इनडोर और आउटडोर मुकामात से लार्वा बरामद होने पर तक कर दिया गया। बदतरीन महंगाई के बाद आवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। पावर डिवीजन ने बिजली 4.75 रुपए फीस यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेप्रा 30 नवंबर को दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। तब्दीली सरकार का सेहत के शोबे में अहम इकदाम। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का मंसूबा तैयार। शहरियों के मुफ्त इलाज मुआवजे पर 332 अरब खर्च होंगे। वज़ीर-ए-आज़म यकम जनवरी 2022 को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की फराहमी का बाकायदा आगाज करेंगे। हुकूमत ने मंसूबे की तशहीर का प्लान भी तैयार कर लिया। मंसूबे की तशहीर और आगाही पर 1 अरब रुपए खर्च होंगे। गुजदार सरकार की 4वें माली साल में लाहौर पर नवाजशों की भरमार। दूसरी सहमाही से लाहौर के 70 तरक्याती मंसूबे शामिल। 3 अरब 50 करोड़ रुपए से जारी करने की मंजूरी दी गई। इन मंसूबों में इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम, नया रावी पुल और सगियां रोड की स्कीमें शामिल हैं। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात पंजाब हुकूमत के खर्च पर होंगे। विफाक ने वाजे कर दिया। बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए सूबाई हुकूमत से 9 अरब रुपए मांग लिए। पंजाब हुकूमत ने विफाक की डिमांड पर सर जोड़ लिए। पंजाब में अगले साल मार्च में बलदियाती इंतखाबात कराए जाने की मंसूबाबंदी की जा रही है। LDA के मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील और इफ्तिताह की डेडलाइंस मुकर्रर। सबसे पहले गुलाब देवी अंडरपास ट्रैफिक के लिए 15 दिसंबर को खोला जाएगा। दातागंज बख्श फ्लाईओवर के इफ्तिताह की तारीख 15 जनवरी 2022 तजवीज़। शाहकाम फ्लाईओवर का इफ्तिताह 5 फरवरी 2022 को करने का प्लान। चीफ इंजीनियर टू मजहर हुसैन खान ने डेडलाइंस DGLDA को भिजवा दी। दुल्हा दुल्हन निकाह ख्वाह और गवाहान को खत्म नबूवत का सर्टिफिकेट देना होगा। खत्म नबूवत के सर्टिफिकेट के बगैर निकाह नहीं होगा। महकमा कानून ने निकाह नामे में तरमीम की समरी काबीना को इरसाल कर दी। स्कूलों में रट्टा सिस्टम का खात्मा। पंजाब के 38,000 प्राइमरी स्कूलों में तरीका तदरीस तब्दील। 29 नवंबर से अमल दरामद होगा। क्लासरूम्स में हर बच्चे का अलग से प्रोफाइल तैयार होगा। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को इजाफी वक्त दिया जाएगा। टेक ने फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए मास्टर ट्रेनर्स की तरबियत का आगाज कर दिया। मास्टर ट्रेनर्स असातिज़ा को तरबियत देंगे। टेफ का पार्टनर स्कूल के तुलबा की तस्दीक सर्टिफिकेट वसूल करने का फैसला। 26 नवंबर तक स्कूलों के तुलबा के रिकॉर्ड पर बयान हल्फी जमा कराना होगा। EVS सिस्टम के स्कूलों के तुलबा की फीसों की अदायगियां रोक ली। एजुकेशन वाउचर स्कीम फेज 1 था 15 के स्कूलों को फंड जारी होंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन गैर फ़ाल हो गया। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की तकरारी इल्तवा का शिकार। ओहदा 2 माह से खाली होने से मामला ठप। तायुनाती के लिए दरख्वास्तों की सिक्योरिटी भी नहीं हो सकी। दूसरी जानब महकमा हायर एजुकेशन ने स्पेशल सेक्रेटरी की 1 मजीद सीट मांग ली। वर्कलोड की बुनियाद पर स्पेशल सेक्रेटरी की नई असामी मांगी गई है। समरी वजीर आला को इरसाल। पंजाब यूनिवर्सिटी ने रेगुलर अंडर ग्रेजुएट दाखिलों की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी। तुलबा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मॉर्निंग प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की पहली मेरिट लिस्ट 29 नवंबर को जारी होगी। सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम की दूसरी मेरिट लिस्ट 6 दिसंबर को जारी होगी।
DHA में स्कैंडल दर स्कैंडल, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग के बाद नया स्कैंडल सामने आ गया। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड में माली बेजाबतियां और फ्यूल की मद में घपलों का इंकशाफ। बटरफ्लाई हाउस की टिकट्स की आमदन और मुलाजमीन की तरक्कियों में भी हेरा फेरी। एंटी करप्शन ने DHA के 7 अफसरान को तलब कर लिया। शरीफ खानदान को अलॉट की गई सरकारी अराजी का रिकॉर्ड तलब। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबे के डेप्टी कमिश्नर से रिकॉर्ड तलब कर लिया। 26 नवंबर तक शरीफ खानदान को अलॉटमेंट के रिकॉर्ड की फराहमी की हिदायत। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कितनी जमीन अलॉट हुई, रिकॉर्ड भिजवाने का मरासा जारी। अलामा इकबाल टाउन नीलम ब्लॉक में मकीन सड़कों की खस्ता हाली पर सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है नीलम ब्लॉक की सड़कें 6 माह से टूट फूट का शिकार हैं। आला हुकाम को मुतअद्दिद बार सड़कों की मरम्मत के लिए शिकायत की गई मगर सुनवाई नहीं हुई। उधर चंद राय रोड गंदा नाला डेंगू की अफजाइशगाह बन गया। नाला कूड़ा करकट से भर जाने से इलाके में ताफुन, इलाका मकीन असियत में मुब्तला। मुतलिका अफसरान से गंदा नाला साफ कराने की अपील। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के असरात सामने आने शुरू हो गए। सुबह के औकात में गैस ना होने से शहरी बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर। उधर सुई गैस की अदम दस्तियाबी पर रहमानपुरा के रिहायशी भी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन की सुई नदरन गैस के खिलाफ नारेबाजी। शहरियों का कहना है कि बिल हर माह बाकायदगी से आते हैं मगर सहूलत तवे की नहीं मिल रही। पंजाब प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की मुतालबात के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन ने स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस नईम गयाज से कामयाब मुजाकरात के बाद एहतजाज 15 दिन के लिए मौखर कर दिया। LDA का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 7 का फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड और ग्रीन कैंप हाउसिंग स्कीम में एक्शन। गैर कानूनी तामीरात में स्मार्ट कर दी। उधर बट्टा चौक और एयरपोर्ट के एतराफ की तजावजात माफी के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों रेड़ियां, भट्टे और दीगर सामान कब्जे में लेकर 12 अफराद गिरफ्तार। ट्रैफिक के बहाव में रुकावट बनने वाला गैर कानूनी ट्रक अड्डा भी खत्म करा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दीगर की नाअहली, नए इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नशवी ने शेख मुजफ्फर हुसैन की एतराजी दरख्वास्त पर समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस का दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने का एतराज़ बरकरार। जस्टिस अली बाकर नशवी ने रिमार्क दिए कि क्यों ना बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने पर जुर्माना कर दें। हुकूमत खुद काम नहीं करती और इल्जामात अदालतों पर लगाए जाते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी सुस जा रही है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के साबिक एग्जियन का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ केस की समाप्त में रिमार्क्स। होम डिपार्टमेंट के मुतलिका ऑफिसर के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को 29 नवम्बर को तलब कर लिया। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए, अगर पंजाब हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी रही तो होम सेक्रेटरी छोड़ें, वजीर आला को तलब कर लेंगे। उधर जस्टिस आयशा ए मलिक ने ओहदे की तनजली के केस में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ असासाजात केस। फवाद हसन फवाद, वकार हसन और दीगर मुलजिमान एहतसाब अदालत पेश। नैब से मुलजिमान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिकॉर्ड तलब, समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। चिन्योट माइंस एंड मिनरल्स रेफरेंस में सूबाई वजीर सत्यन खान और दीगर मुलजिमान एहतसाब अदालत पेश हुए। बरीयत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। जज साजिद अली ने रिमार्क दिए कि नैब का जवाब नहीं आया तो बहस के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। आहा चीमा के खिलाफ असासाजात केस की समाअत। गवाहों को तलबी के नोटिस न भिजवाने पर अदालत का इजहार बरहमी। DSP लीगल और मुतलिका SHO को शो कॉज नोटिस जारी। उधर आहा चीमा और उनके रिश्तेदारों ने नैब की जानिब से असासे मुंजमद करने का इकदाम एहतसाब अदालत में चैलेंज कर दिया।
कराची तैयारा हादसे की तहकीकात क्यों रुकवाएं, तैयारा हादसे की हतमी तहकीकात रिपोर्ट रोकने की इस्तदा मुस्तरद। विफाक डीजी एविएशन से जवाब तलब कर लिया गया, वकील का कहना है तहकीकात के लिए 22 मई 2020 को नोटिफिकेशन हुआ, बताएं इस नोटिफिकेशन में क्या गलती है। जैसे शाहिद करीम का इस्तफसार, वकील का कहना था कि अपील को निंदा शहीद पायलट का भी भाई और मुतासिरा शख्स है। ड्रग कोर्ट ने 22 मफूर मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए, 40 क्वालिफाइड पर्सन के पेश ना होने पर रजिस्ट्रेशन खारिज करने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल को क्वालिफाइड पर्सन की फहरिस्त भिजवा दी, मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।